Hello everyone, how are you all? I hope you are doing well. My name is Ishan and you are watching my YouTube channel Learn English with British. आज दोबारा से मैं आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ एक नए लेसन के साथ. So please sit back, relax and watch my video till the end. का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. आज के टॉपिक का जो नाम है वो है आपके DTH और इसका मतलब डायरेक्ट टू होम बिल्कुल भी नहीं है. सो प्लीज गाइस जल्दी से देखिए बोर्ड पे, मैं आपको सभी उसके बारे में बताने जा रहा हूं कि बेसिकली DTH का मतलब क्या होता है. जो पहला वर्ड है आपका वो है डी. डी मीन्स डेजल. यस डेजल. अब इस वर्ड का यूज आप कैसे कर सकते हो? बेसिकली डेजल यहां पे एक वर्ब के तरीके से यूज हो रहा है, राइट? तो आप इसको एक वर्ब के तरीके से यूज कर सकते हो. सपोज बहुत सारी चीजें चमकीली होती है, राइट? कोई भी चीज शाइनी जो होती है उसके लिए हम शाइन का यूज करते हैं, लेकिन जब कोई हद से ज्यादा कोई चीज चमकने लगती है तब हम उसके लिए डेजल का यूज कर सकते हैं. तो कभी भी आपको बाहर लगे कि कोई भी चीज जो शाइनी लग रही है तो आप उसके लिए डेजल का यूज कर सकते हैं. जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, मैंने कहा आज सूरज जो है वो बहुत ज्यादा चमक रहा है. द सन इज डेजलिंग टुडे. यस, मैं लिख देता हूं आपको यहां पे, द सन इज डेजलिंग टुडे. फाइन, ये तो एक यूज हो गया इसका. लाइक कोई भी चीज शाइनी है जो हद से ज्यादा शाइनी है, लाइक एक सुपरलेटिव डिग्री हम इसको बोल सकते हैं, कोई भी चीज जो हद से ज्यादा शाइनी हो रही है आप उसकी जगह शाइन की जगह डेजल का यूज कर सकते हो. नाइस. लेकिन इसके दूसरा यूज भी है. दूसरा यूज क्या हो सकता है? सपोज आपने देखा कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है. सपोज कोई इंसान ऐसा है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आप उसकी तारीफ कर सकते हो. जैसे कि सपोज मैंने कहा क्या बात है आज तो बहुत अच्छे लग रहे हैं आप. कैसे यूज करेंगे? इफ यू वॉन्ट यू कैन यूज दिस वर्ड लाइक दिस. अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, यू आर डेजलिंग टुडे. फाइन, मतलब कहने का बेसिकली मेरा ये है कि आज आप चमक रहे हो. तो आप किसी की प्रेज भी कर सकते हो किसी को, लाइक यू आर डेजलिंग टुडे. यस, सभी लोग चमक रहे हैं आज. ओके, तो थर्ड यूज जो है आपका, थर्ड यूज आप इसको कैसे कर सकते हो? सपोज अगर आपको किसी को ब्लेस करना है तो आप बोल सकते हो आपका भविष्य चमचमाता हुआ हो, राइट? तो कैसे बोलेंगे इसको? मे यू हैव अ डेजलिंग फ्यूचर. यस, कैसे बोलेंगे? मैं लिख के बता देता हूं आपको, समझ में आ जाएगा. मे यू हैव अ dazzling future, right? So dazzling का use आप कैसे कर सकते हो? I have given you three sentences like this. पहला use आप कर सकते हो कि आज जो सूरज है बहुत चमचमा रहा है, the sun is dazzling today. The next one, किसी को praise करने के लिए भी बोल सकते हो, you are dazzling today. Nice. Next बोल सकते हो, may you have a dazzling future. किसी को bless करने के लिए, उसके भविष्य की अच्छी कामना करने के लिए आप इस word का use कर सकते हो. And the next word would be T for tussle, right? अब ये tussle जो word है basically ये एक noun भी है आपके और एक verb के तरीके से भी use होता है. So मैं आपको अभी बता देता हूँ. Basically tussle के use जब हम करते हैं कोई भी एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट किसी से हो जाता है, किसी से बहस हो जाती है, अक्सर आपकी फ्रेंड से कभी ना कभी बहस हो जाती होगी, तो आप इस word का use कर सकते हो. लाइक मैंने कहा कल मेरे दोस्त से मेरी बहस हो गई, तो कैसे इस वर्ड का यूज करेंगे? आई हैड अ टसल विद माई फ्रेंड. नाइस, मैं लिख के बता देता हूं आप लोगों को, आई हैड अ टसल विद माई फ्रेंड. यस, तो कैसे बोलेंगे सेंटेंस को आप? आई हैड अ टसल विद माई फ्रेंड. एंड द नेक्स्ट यूज वुड बी सपोज लाइक
कि दो इंसानों के बीच में, या लेट्स टेक एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, लाइक क्रिकेट सभी लोग जानते होंगे, सभी लोग देखते भी हैं, यू ऑल आर द फैन ऑफ क्रिकेट. तो सपोज दो कभी डिसीजन जो होता है तो समटाइम्स टीम के कैप्टन आपस में थोड़ी सी उनकी आर्ग्यूमेंट हो जाता है. तो एक सेंटेंस में बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को, लाइक सपोज दो क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में एक थोड़ी सी झड़प हो गई या बहस हो गई किसी डिसीजन को लेके, कोई एम्पायर ने कोई डिसीजन दिया होगा वहां पे, तो उसमें उसकी झड़प हो गई, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? Nice. तो लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे two players tussled each other for decision. Yes, आपस में उन लोगों की एक decision की वजह से झड़प हो गई. And the last word would be H. H stands for here hassle. Yes, hassle के means क्या है यहाँ पे? Hassle कोई भी चीज आपकी परेशानी भरी, like suppose something which is inconvenience for you or sometimes trouble. या कोई किसी इंसान को हैरेस कर रहा है, तब आप इसका यूज कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हो. सपोज आप कोई काम कर रहे हो और कोई इंसान, कोई बंदा आपको परेशान कर रहा है बहुत देर से, तो आप उसको बोल सकते हो जस्ट स्टॉप हैसलिंग मी. कैसे बोलेंगे? स्टॉप हैसलिंग मी. मैं लिख देता हूं यहां पे, स्टॉप हैसलिंग मी. राइट, तो इसका यूज आप कर सकते हो, परेशान मत करो मुझे. फाइन, तो आप बोल सकते हो जस्ट स्टॉप हैसलिंग मी. कभी कभी बहुत सारे लोग आपके पास पड़ोस में ऐसे होते हैं जो आपको लाइक एक तरीके से कहते हैं ना कि यार सरदर्द हो मेरे लिए तुम, राइट? तो आप बोल सकते हो उनको यस यू आर हैसल टू मी. यस, कैसे बोलेंगे? यू आर हैसल टू मी. मैं लिख देता हूं यहां पे, यू आर हैसल टू मी. फाइन, यस, तो इसका यूज इस तरीके से कर सकते हो आप. तो दो यूज मैंने बता दिए हैं, जस्ट स्टॉप हैसलिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करिए, एंड तुम मेरे लिए सरदर्द हो, यू आर हैसल टू मी. यस, थर्ड जो यूज बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, कभी कभी आप बहुत ज्यादा लाइक आपको परेशानी होती है किसी में, सपोज दैट कोई दिन आपका ऐसा ठीक नहीं गुजरा, पूरे दिन आपको सुबह से लेकर शाम तक लाइक बहुत ज्यादा परेशानी हुई पूरा दिन आपको, लाइक सपोज जो मेरा लास्ट संडे था वो मेरे लिए बहुत एकदम सरदर्द भरा था, तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोल सकते हो? द लास्ट संडे वॉज हैसलिंग टू मी. यस, कैसे बोलेंगे? द लास्ट संडे वॉज हैसलिंग टू मी. लिख देता हूं, तो आज मैंने आप लोगों को बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा. तो टॉपिक का नाम था आज DTH, डैजल टसल हैजल. जाइए और यूज करिए इन सारे वर्ड्स का. एंड प्लीज, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज जल्दी से जाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो.